Hello students, welcome to my YouTube channel Online Classes by Seljad. विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे प्रयास दो ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 1। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 1 को हल करेंगे जो पेज नंबर 1 पर है। आइए शुरू कर दें। कार्यपत्रक 1, इसमें दक्षता है द्विविमीय त्रिविमीय आकृतियों की मूलभूत समझ विकसित कर पाना। तो विद्यार्थियों, हम द्विविमीय आकृतियां एवं त्रिविमीय आकृतियों की मूलभूत समझ विकसित करेंगे। द्विविमीय आकृति यानी 2D आकृतियां भी कहते हैं इसे, त्रिविमीय आकृतियां यानी इन्हें 3D आकृतियां भी कहते हैं। तो हम इनकी पहचान करेंगे, इनके बारे में समझेंगे। सवाल 1, चित्रों को देखकर गोल तिकोनी व चौकोर आकार वाली वस्तुओं को अलग अलग डिब्बों में रेखा खींचकर डालिए। जो ये गोल वस्तुएं हैं या तिकोनी वस्तुएं हैं या चौकोर वस्तुएं हैं, इन्हें नीचे ये जो डिब्बे दे रखे हैं इनमें हमें रेखा खींच करके इन डिब्बों में डालना है। जैसे देखिए, ये आकृति देखिए, ये चौकोर, इसे इस चौकोर वाला डिब्बे में डाल रखा है। ये आकृति है तिकोनी, तो इसे तिकोने वाला डिब्बे में डाल रखा है। ये आकृति है गोल, तो इसे गोल वाले डिब्बे में डाल रखा है। इस प्रकार से रेखा खींच के हमें दूसरी जो वस्तुएं हैं इनमें भी पहचान करनी है कि वस्तु गोल है, तिकोनी है या चौकोर है। इसे देखिए, ये किस प्रकार की है, चौकोर, तो इसे हम चौकोर वाला डिब्बे में डालेंगे। तो इसे हम इस प्रकार से इस चौकोर वाले डिब्बे में डालेंगे। ये देखिए, ये है गोल, तो इसे गोल वाले डिब्बे में डालेंगे। ये देखिए, ये है चौकोर, तो इसे चौकोर वाले डिब्बे में डालेंगे। ये है गोल, तो इसे गोल वाले डिब्बे में डालेंगे। बाकी देखिए, ये देखिए, ये है चौकोर, तो इसे चौकोर वाले डिब्बे में डालेंगे। ये है गोल, तो इसे गोल वाले डिब्बे में डालेंगे। ये है तिकोना, तो इसे तिकोना वाले डिब्बे में डालेंगे। ये देखिए, ये है गोल, इसे गोल वाला डिब्बे में डालेंगे। ये भी गोल हैं, इसे गोल वाला डिब्बे में डालेंगे। ये चौकोर हैं, इसे चौकोर वाला डिब्बे में डालेंगे। ये गोल हैं, इसे गोल वाला डिब्बे में डालेंगे। ये तिकोना है, इसे हम तिकोने वाले डिब्बे में डालेंगे। तो इस प्रकार से हमने तिकोने वाली वस्तुओं को तिकोने वाले डिब्बे में, गोल वाली वस्तुओं को गोल वाले डिब्बे में और चौकोर वस्तुओं को हमने चौकोर डिब्बे में डाला। इस प्रकार से हमने अलग अलग वस्तुओं की पहचान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला है सवाल नंबर 2, समतल सतह वाली वस्तुओं पर लाल रंग एवं गोल सतह वाली वस्तुओं पर हरा रंग भरिए। जो देखिए, समतल सतह हो उन पे हमें लाल रंग भरना है और जो गोल सतह वाली वस्तुएं हो उन पे हमें हरा रंग भरना है। तो समतल बिल्कुल सपाट और गोल सतह, तो ये हमें पहचान करनी है। तो ये देखिए, ये इस किताब में ये जो पृष्ठ है, ये जो सतह है वो कैसी है, समतल। तो यहाँ पे हम लाल रंग भरेंगे। कौन सा रंग भरेंगे, यहाँ पे लाल रंग भरेंगे। विद्यार्थी, यहाँ पे आप लाल रंग भर देंगे क्योंकि ये सतह समतल है
तो इस पर लाल रंग भर दिया। अगला देखिए, ये वस्तु इसकी सतह गोल सतह वाली वस्तु है तो इस पर हम हरा रंग भरेंगे। यहाँ हम हरा रंग भर दिया। अगला देखिए, ये वाली इसकी सतह कौन सी है, समतल सतह, तो इस पर लाल रंग भरेंगे। ये हमने इस पर लाल रंग भरा। अगला ये देखिए, इसकी सतह गोल सतह वाली वस्तु है तो इसमें हम हरा रंग भरेंगे। ये हम इस पर हरा रंग भरेंगे। अगली ये देखिए, माचिस है, इसकी सतह समतल है तो इसमें हम लाल रंग भरेंगे। ये इस पे हमने लाल रंग भरा। अगली वस्तु देखिए, ये फुटबॉल गोल सतह वाली वस्तु है, इस पे हम हरा रंग भरेंगे। तो ये इस पे हम हरा रंग भरते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने समतल सतह वाली वस्तु और गोल सतह वाली वस्तु के बारे में हमने सीखा समझा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक एक के अंतर्गत गोल, त्रिकोणी, चौकोर आकार वाली वस्तुओं को अलग अलग डिब्बों में डालना सीखा। इसके साथ ही हमने समतल सतह वाली वस्तु और गोल सतह वाली वस्तुओं के बारे में सीखा। हमने लाल रंग और हरा रंग इनके बारे में भी सीखा। तो विद्यार्थियों, आप भी अपनी इस कार्यपत्रक को समझ के हल कीजिए और आपके परिवेश में इस प्रकार की जो वस्तुएं हों उनके बारे में आप चर्चा जरूर कीजिए, अपनी क्लास में चर्चा कीजिए, अपने घर पे चर्चा कीजिए और आप अपनी पाठ्यपुस्तक में से भी इस प्रकार के जो भी वस्तुएं हों उनकी पहचान करना जरूर सीखिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।